नमस्कार दोस्तों, तो स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और इसके साथ बहुत सारे स्मार्टफोन भी लॉन्च हो जाएगा। और जो सबसे पहला स्मार्टफोन जिसका नाम है आईको 12, वो अगले महीने इंडिया पे लॉन्च होने वाला है। इसलिए इस वीडियो हम देखेंगे ये जो स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 जो कि ऑब्वियसली जेनरेशन 2 का अपडेटेड वर्जन है, तो लास्ट जेनरेशन के मुकाबले इस बार में आपको क्या का अपडेट मिलेगा, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट्स चैनल पे नए हैं और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप गैजेट्स चैनल पे अभी भी जुड़े तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा, ये मेरा यूजुअल सेटअप बिल्कुल भी नहीं है, अभी मैं घर से बहुत दूर हूँ, बहुत ही जल्द मेरा जो प्रोफेशनल वाला सेटअप उसमें से आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का कंपैरिजन। तो दोनों फोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के रिलीज डेट को लेके। ये जो स्नैपड्रैगन है जेनरेशन 3, ये तो बस अभी अभी लॉन्च हुआ है, मतलब क्वार्टर 4 2023 पे लॉन्च हुआ है। लेकिन जो स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 2 वो लॉन्च हुआ था पिछले साल की एग्जैक्टली इसी टाइम पे, मतलब क्वार्टर 4 2022 पे। तो अगर हम दोनों के कोर काउंट के बारे में बात करें, इधर आपको दोनों ही सीपीयू में आपको मिलेगा 64 बिट्स ऑक्टा कोर स्ट्रक्चर, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर का डिवीजन है उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। ये जो नया वाला जो स्नैपड्रैगन जेनरेशन 3, इसमें आपको मिलेगा 1 प्राइम कोर, 5 परफॉर्मेंस सीरीज का कोर और 2 पावर एफिशिएंट सीरीज का कोर। उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2, इसमें आपको मिलेगा 1 प्राइम कोर, 4 परफॉर्मेंस सीरीज का कोर और 3 पावर एफिशिएंट सीरीज का कोर आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट अगर दोनों के सीपीयू आर्किटेक्चर की बारे में बात करें, तो इधर दोनों ही प्रोसेसर में आपको मिलेगा एक्जैक्टली 4 नैनोमीटर वाला आर्किटेक्चर जो कि है टीएसएमसी की तरफ से, मतलब इधर दोनों सीपीयू का जो पावर मैनेजमेंट और जो हीट मैनेजमेंट वो होगा एक्जैक्टली सेम। अभी मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को लग सकता है कि ये जो स्नैपड्रैगन जेनरेशन 3, इसमें हमें 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो एप्पल का जो A17 प्रोसेसर उसे हमें मिल रहा है, इसका एक ही रीजन है क्योंकि कुछ महीने पहले मैंने आपको एक न्यूज दिया था, एप्पल वालों ने इस साल टीएसएमसी की तरफ से सभी के सभी जो 3nm जो स्लॉट वो बुक कर लिया है। इसलिए इस साल टीएसएमसी कोई भी ब्रांड के लिए जो 3nm वाला आर्किटेक्चर प्रोसेसर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यही रीजन के लिए ये जो स्नैपड्रैगन जेनरेशन 3 इस बार भी हमें मिलेगा 4nm वाले आर्किटेक्चर पे। तो इसके बाद हम दोनों के कोर टाइप के बारे में बात करें, ये जो स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3, इसमें आपको मिलेगा 1 प्राइम कोर जो कि कोर्टेक्स X4 कोर, इसका स्पीड है 3.3 गीगाहर्ट्ज, उसके साथ 3 पावर एफिशिएंट सीरीज का कोर्टेक्स A720 कोर जिसका स्पीड है 3.15 गीगाहर्ट्ज, उसके बाद 2 परफॉर्मेंस सीरीज का कोर्टेक्स A720 कोर उसका स्पीड है 2.96 गीगाहर्ट्ज और 2 पावर एफिशिएंट सीरीज का कोर्टेक्स A520 कोर इसका स्पीड है 2.27 गीगाहर्ट्ज। उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 2, इसमें आपको मिलेगा 1 प्राइम कोर जो कि कोर्टेक्स X3 कोर, इसका स्पीड है 3.19 गीगाहर्ट्ज, उसके साथ 2 परफॉर्मेंस सीरीज का कोर्टेक्स A715 कोर जिसका स्पीड है 2.8 गीगाहर्ट्ज, साथ में 2 और परफॉर्मेंस सीरीज का कोर्टेक्स A710 कोर इसका स्पीड है 2.8 गीगाहर्ट्ज और उसके साथ 3 पावर एफिशिएंट सीरीज का कोर्टेक्स A510 कोर इसका स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज। तो मतलब इधर आप देख ही सकते हैं जो स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 2, इसके मुकाबले इस नया जेनरेशन प्रोसेसर में पहली बात तो आपको ज्यादा परफॉर्मेंस सीरीज का कोर मिलेगा, उसके साथ सभी टाइप के कोर के अंदर आपको नेक्स्ट जेनरेशन का सीपीयू कोर भी मिलेगा और जो एवरेज सीपीयू स्पीड वो भी ज्यादा है इस नए वाले प्रोसेसर में। इसका मतलब इस कोर टाइप के मामले में जो नया वाला प्रोसेसर डेफिनेटली बेटर। नेक्स्ट अगर दोनों की कैश मेमोरी के बारे में बात करें, अभी आप बस ये चीज समझ लीजिए, ये जो कैश मेमोरी एक सीपीयू का जो परफॉर्मेंस उसे बहुत हद तक इंक्रीज कर सकता है। तो ये जो स्नैपड्रैगन जेनरेशन 3, इसमें आपको मिलेगा 12 MB का कैश मेमोरी, उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 2, उसमें आपको मिलेगा 8 MB का कैश मेमोरी, मतलब कैश मेमोरी के मामले में नो डाउट स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 है बेटर। नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों के रैम सपोर्ट के बारे में, तो इधर दोनों ही प्रोसेसर में आपको मिलेगा चेनेल LPDDR5X तक का रैम का सपोर्ट। जो स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3, उसमें आपको मिलेगा मैक्सिमम 4800 MHz का रैम का सपोर्ट जिसका मेमोरी बैंडविड्थ 76.8 GBPS और उसके साथ मैक्सिमम 24 GB तक का रैम का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसी जगह पे स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 2 में आपको मिलेगा 4200 MHz का रैम का सपोर्ट जिसका मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ 67.2 GBPS और उसके साथ 16 GB तक का मैक्सिमम रैम का सपोर्ट हमें मिलेगा। तो मतलब बेटर क्वालिटी रैम सपोर्ट के मामले में जो नया वाला प्रोसेसर वो डेफिनेटली बेटर। नेक्स्ट अगर दोनों के मेमोरी सपोर्ट के बारे में बात करें, तो इधर दोनों ही प्रोसेसर में आपको मिलेगा EMMC 5.1 से लेके मैक्सिमम UFS 4.0 तक का मेमोरी का ऑप्शन, मतलब इस मामले में भी दोनों एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों के कैमरा सपोर्ट के बारे में, तो इधर दोनों ही प्रोसेसर में आपको मिलेगा ट्रिपल 18-bit वाला ISP, दोनों पे ही सिंगल कैमरे में 200 MP, डुअल कैमरे में 64 और 36 MP और ट्रिपल कैमरे में 36 MP तक का कैमरा का ऑप्शन मिलेगा। और अगर हम दोनों की वीडियो कैप्चर के बारे में बात करें, तो इधर दोनों पे आपको मिलेगा 8K वीडियो 30 FPS,
4K वीडियो 120 FPS, फुल HD वीडियो 120 FPS और 720p स्लो मोशन वीडियो 960 FPS में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। इसका मतलब इस ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन में दोनों का जो कैमरा और जो वीडियोग्राफी वो मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों के डिस्प्ले सपोर्ट के बारे में। तो दोनों ही प्रोसेसर में आपको मिलेगा मैक्सिमम 4K तक का डिस्प्ले का सपोर्ट जिसका रिफ्रेश रेट है 60Hz, लेकिन अगर हम क्वाड HD प्लस डिस्प्ले इस्तेमाल करेंगे तो हमें मिलेगा मैक्सिमम 144Hz तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट। इसके अलावा दोनों पे ही मैक्सिमम वीडियो प्लेबैक क्वालिटी है 8K 30fps। तो मतलब इस डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में दोनों एक्जैक्टली सेम। नेक्स्ट आना दोनों के नेटवर्क सपोर्ट के बारे में बात करें। ये जो स्नैपड्रैगन है जेनरेशन 3, इसमें आपको मिलेगा X75 5G मॉडेम। जो जेनरेशन 2, उसमें आपको मिलता है X75G मॉडेम। दोनों पे आपको मिलेगा 5G में डाउनलोड स्पीड 10 Gbps, 5G में अपलोड स्पीड 3.5 Gbps। दोनों पे आपको मिलेगा 6 GHz 5G, MMO 5G, NAVIC सपोर्ट, Wi-Fi 7 और Tri-Band Wi-Fi का ऑप्शन। जो जेनरेशन 3, उसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ 5.4 का ऑप्शन। जो जेनरेशन 2, उसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ 5.3 का ऑप्शन। तो इसका मतलब बेटर क्वालिटी नेटवर्क सपोर्ट के मामले में जो जेनरेशन 3 वो है नो डाउट बेटर। लेकिन नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो जो जेनरेशन 3, इसमें आपको मिलेगा एड्रीनो 750 वाला ग्राफिक्स कार्ड जो कि रन कर रहा है 903 मेगा स्पीड पे। उसी जगह पे जो जेनरेशन 2, उसमें आपको मिलेगा एड्रीनो 740 वाला ग्राफिक्स कार्ड जो कि रन कर रहा है 680 मेगा स्पीड पे। और इसके अलावा जो जेनरेशन 3, इसमें आपको मिलेगा अनरियल इंजिन 5.2 का सपोर्ट, लेकिन जो जेनरेशन 2, उसमें आपको मिलेगा अनरियल इंजिन वर्जन 5 का सपोर्ट। तो अगर हम दोनों के ग्राफिक्स कार्ड स्कोर के बारे में बात करें, वैसे देखिए मैंने इधर दोनों साइड में जो वर्जन 10 उसका स्कोर मैंने लिया है। तो जो स्नैपड्रैगन जेनरेशन 3, इसका अनटूटू GPU में स्कोर है 8,40,000 के आसपास। उसी जगह पे जो जेनरेशन 2, उसका अनटूटू वर्जन 10 में स्कोर है 6,60,000 के आसपास। तो मतलब इस अनटूटू GPU स्कोर के मामले में जो नया वाला प्रोसेसर वो डेफिनेटली बेटर है कम्पेयर टू जेनरेशन 2। और अगर हम दोनों के अनटूटू स्कोर के बारे में बात करें, इधर भी मैंने दोनों साइड पे जो वर्जन 10 उसका स्कोर मैंने लिया है। तो जो जेनरेशन 3, इसका अनटूटू वर्जन 10 में स्कोर है 17,00,000 से भी ज्यादा। उसी जगह पे जो जेनरेशन 2, इसका अनटूटू वर्जन 10 में स्कोर है 14,00,000 से ज्यादा। तो मतलब देखिए जाते कि अनटूटू के मामले में दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा। और इसके बाद हम दोनों की गीगबेंच स्कोर के बारे में बात करें, वैसे मैंने इधर दोनों साइड में जो वर्जन 6 उसका स्कोर मैंने लिया है। तो जो स्नैपड्रैगन जेनरेशन 3, इसका सिंगल कोर में स्कोर है 2300 के आसपास और मल्टी कोर में स्कोर है 7500 के आसपास। उसी जगह पे जो जेनरेशन 2, इसका सिंगल कोर में स्कोर है 1900 के आसपास और मल्टी कोर में स्कोर है 5000 के आसपास। वैसे देखिए इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अनटूटू में एक प्रोसेसर कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, अगर गीगबेंच के जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस, इसमें आपको एटलीस्ट 100 से 150 का अगर डिफरेंस मिलता है तो मतलब रियल वर्ल्ड में आपको एक मेजर डिफरेंस मिलेगा। और अब इस जगह भी देख सकते हैं दोनों प्रोसेसर का जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस, उसके अंदर आपको 400 पॉइंट का डिफरेंस आपको मिलेगा। तो मतलब गारंटीड रियल वर्ल्ड यूसेज में आपको बहुत ही मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, इसके बाद अभी इस लास्ट चार्ट भी देख सकते हैं, ये एक्चुअली ब्रांड ने क्लेम किया है, मैंने इधर जस्ट नोट डाउन कर लिया है। तो क्वालकॉम का ऐसा कहना है लास्ट जनरेशन के मुकाबले ये जो स्नैपड्रैगन जनरेशन 3, इसमें आपको 30% फास्टर CPU परफॉर्मेंस मिलेगा, 20% बेटर CPU एफिशिएंसी मिलेगा, मतलब जिसे हम कहते हैं बैटरी सेविंग, उसके साथ 25% फास्टर GPU परफॉर्मेंस, 25% बेटर GPU में बैटरी परफॉर्मेंस, 40% बेटर रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस कंपेयर टू जनरेशन 2, 98% बेटर AI परफॉर्मेंस, 40% बेटर AI में बैटरी परफॉर्मेंस, और उसके साथ ओवरऑल सेम कम करने के लिए 10% ज़्यादा एफिशिएंसी आपको मिलेगा कंपेयर टू स्नैपड्रैगन जनरेशन 2। और ये जो इस चार्ट पे मैंने आपको जो जो भी पैरामीटर दिखे है वो एक्चुअली क्वालकॉम ने क्लेम किया है। तो अब इस वीडियो के कंक्लूशन की, तो देखिए स्नैपड्रैगन जनरेशन 3 ऑब्वियसली बेटर है स्नैपड्रैगन जनरेशन 2 के मुकाबले, लेकिन एक्चुअली कितना ज़्यादा बेटर है आप ये फाइनल चार्ट में देख सकते हैं। तो जो स्नैपड्रैगन जनरेशन 3 एक्चुअली 5 मामले में बेटर है कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन जनरेशन 2, और वो 5 एरिया है बेटर क्वालिटी CPU, बेटर GPU, फास्टर RAM सपोर्ट, फास्टर नेटवर्क सपोर्ट और ज़्यादा कैश मेमोरी। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी कह दिया है, क्वालकॉम चाहते हुए भी जो 3nm वाला आर्किटेक्चर वो यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एप्पल वालों ने ऑलरेडी TSMC की तरफ से अगले प्रोबेबली 2024 साल के स्टार्टिंग तक जो 3nm आर्किटेक्चर का जो स्लॉट है उसे खरीद लिया है। तो मैं देखिए वीडियो का आखिर में ये चीज़ कहना चाहूंगा, CPU GPU से लेके हर एक मामले में लास्ट जनरेशन के मुकाबले इस बार का जो प्रोसेसर वो डेफिनेटली बेटर है, लेकिन एक मामले मुझे सबसे बढ़िया लगा जो कि 400 पॉइंट का गीगबेंच में सिंगल कोर में इंप्रूवमेंट, जो कि रियल वर्ल्ड में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अभी आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि अभी इसके बाद स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 के साथ क्या एप्पल A17 प्रो का कंपैरिजन देखना चाहेंगे कि नहीं, उसके बाद मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड, ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। Thank you.